आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। शाह ने राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का किया लोकार्पण। उन्होंने कहा, मोदी सरकार में सबसे अधिक जनजाति सांसद और मंत्री का गौरव। एक बार फिर से विवादों में जेपीएससी सहायक अभियंता नियुक्ति का साक्षात्कार स्थगित। राज्यसभा चुनाव में सेंधमारी का खतरा, कांग्रेस के बाद भाजपा और शिवसेना के विधायक रिसोर्ट पहुंचे। पाकिस्तान की साजिश नाकाम, ड्रोन से भेजे 3 आईईडी टिफिन बम सेना ने किए निष्क्रिय। पीएनबी बैंक घोटाला के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी और अन्य के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। कर्नाटक में 24 छात्राओं पर लगा 7 दिन का प्रतिबंध, हिजाब पहनकर कक्षा में किया था प्रवेश। भारत ने किया अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण, 20 मिनट में चीन और पाक के किसी भी शहर को कर सकती है ध्वस्त। खाड़ी देशों की नाराजगी दूर करने में जुटा भारत, पाकिस्तान और ओआईसी की सुनी खरी खरी। ओडिशा में ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल। बिहार में सोने के बाद मिला पेट्रोलियम भंडार, ओएनजीसी को बिहार सरकार ने दी खोज की अनुमति। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, सिद्धू मूसेवाला के घर जाने के दौरान रास्ता भटका काफिला। प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ी, पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती, पंजाब के 5 बार रह चुके सीएम। हाईकोर्ट ने केके के मौत की सीबीआई जांच के लिए अर्जी की मंजूर, इसी हफ्ते शुरू होगी सुनवाई। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक बोलेरो की टक्कर में 8 लोगों की मौत। मोदी ने जारी किए नए सिक्कों की सीरीज, दृष्टिहीन भी आसानी से पहचान सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह किए मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन। सहित देश भर में आरएसएस के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी, केस हुआ दर्ज। यूपी बोर्ड के विद्यालयों में जल्द दिखेगा बदलाव, वाईफाई और बायोमेट्रिक से लैस होंगे इंटर कॉलेज। केशव प्रसाद मौर्य का निर्देश, अब 58,000 नहीं 1,20,000 अमृत सरोवर बनाए।
डीन पर फायरिंग, बिल्डर और महिला प्रोफेसर समेत पांच पर गैंगस्टर के मुकदमे की संतुष्टि। अलीगढ़ में राष्ट्रीय जाट महासभा ने सौंपा ज्ञापन, पीएम मोदी के नाम का सौंपा ज्ञापन। बदायूं में ग्राम पंचायत लाभार्थी में लगा कचरे का अंबार, स्वच्छता मिशन पर लगाया जा रहा पलीता, ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर लगे आरोप। बुलंदशहर में महिला बंदी दक्षता शिविर का आयोजन, महिला कैदियों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। देवरिया में दो पक्षों में हुई जोरदार मारपीट, दबंग तलवार लहराते नजर आए, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। फरीदाबाद में खड़ा ट्रक बना आग का गोला, ट्रक के अंदर बैठे ड्राइवर ने बचाई जान। फरुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट ने अतिक्रमण को किया चिन्हित, व्यापारी नेता मोहन अग्रवाल लगातार डटे रहे। वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान, आतंकी वलीउल्लाह को सजाए मौत। अलीगढ़ में खतरे में मीडिया की आजादी, दबंगों ने पत्रकार को जमकर पीटा। अलीगढ़ में विवाद की जड़ बना पैसा, पैसे की लेन देन में युवक के साथ मारपीट। बदायूं में आशियानों के साथ सपने जलकर राख, अज्ञात कारणों से लगी आग, झोपड़ियां जलकर राख। बिजनौर में एसपी सिटी ने परेड का किया निरीक्षण, गुणवत्ता और साफ सफाई का लिया जायजा। देवरिया में डीएम ने किया एफएसटीपी प्लांट का निरीक्षण, मानव विहीन निर्माण मिलने पर जताई नाराजगी। कन्नौज में कलयुगी पिता बना हैवान, बेटी ने पिता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल, नगर पालिका की गोर के ईओ ने ली रिश्वत। कानपुरी में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, लापरवाही के चलते हुई नवजात की मौत। मुरादाबाद में सड़क पर रहने को मजबूर कोरोना योद्धा, एम्बुलेंस चालकों ने लगाए गंभीर आरोप, एम्बुलेंस चालकों से खाली कराया गया कमरा। मुरादाबाद में फल मंडी सब्जी व लोका धरना जारी, 100 साल पुरानी फल मंडी को तोड़ा गया, जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। प्रतापगढ़ में दूध डेयरी पर लगे फर्जी आरोप, नाराज व्यापारियों ने उदयपुर थाने में दी तहरीर। बदायूं में कैदी के शव से आंखें गायब, जिला कारागार में कैदी की हत्या का मामला, जिला अस्पताल की मॉर्चरी से आंखें गायब। आगरा में शोधों से परेशान होकर छात्रा ने तोड़ी पढ़ाई, स्कूल आते जाते समय शोधे करते थे छेड़छाड़, परिजनों की तहरीर पर आरोपियों पर केस दर्ज।
बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश। शहर में एसडीएम सिकंदराबाद पर लगे गंभीर आरोप। शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी किसान ने लगाया आरोप एसडीएम पर अभद्रता करने का लगा। बुलंदशहर में एक सिपाही का शराब पीते वीडियो वायरल। बियर की केन भी स्कूटी में रखता आया नजर। कोतवाली देहात में तैनात बताया जा रहा है शराबी सिपाही। वाराणसी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। गाजीपुर का 50,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। बनारसी यादव को एसटीएफ ने गुजरात से दबोचा। कानपुर में दंगाइयों के पोस्टर। पुलिस ने किए चौस्पा। दंगाइयों की पहचान कर जल्द होगी गिरफ्तारी। दंगाइयों की पहचान बताने वाले का नाम रखा जाएगा गुप्त। लखनऊ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने लोहिया की मूर्ति ढकी। आवास पर लगी लोहिया जी की मूर्ति को ढक दिया लोहिया ट्रस्ट का। इसी बंगले में पहले से था कार्यालय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वाराणसी दौरा। काशी में स्वच्छता अभियान चला रही स्मृति ईरानी। महिला ने गंदगी हटवाने का किया था अनुरोध। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी का मामला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया बयान। बोर्ड ने दोनों सदस्यों को निलंबन को बताया नाकाफी। कानपुर बाजार बंद के पोस्टर छपवाने का मामला। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को किया गिरफ्तार। पोस्टर मालिक ने नियमों के विरुद्ध छापे थे पोस्टर। पिथौरागढ़ के पास खाई में गिरा वाहन। दो की मौत पांच हुए घायल। ऋषिकेश में व्यवस्था से बाहर वाहन संचालन और ओवर रेटिंग पर प्रशासन गंभीर। जिलाधिकारी ने लिया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक किशन सिंह पवार का निधन। देहरादून के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। उत्तराखंड की ग्रामीण आर्थिकी संवारेगा रीप। 951 करोड़ की योजना हुई स्वीकार। ऋषिकेश में गंगा में डूबे पंजाब और हरियाणा के दो युवकों के शव बरामद। उत्तराखंड बोर्ड 10th 12th बोर्ड परीक्षाओं में बेटियों ने मारी बाजी। लड़कों का भी परीक्षा फल सुधरा। हल्द्वानी का पारा 40 डिग्री पार। आगामी दिनों में और झुलसाएगी गर्मी। गर्मी से मची अफरा तफरी। दून अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी बैग लगाने पड़े अतिरिक्त डॉक्टर। हरिद्वार की दिया राजपूत ने इंटर की टॉप परीक्षा में किया उत्तराखंड टॉप। आईएएस बनने की रखती है सपना। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन कर प्रोत्साहन के लिए हर जिले में बनेंगे मॉडल गांव। डीआईजी ने कुमाऊं में उप निरीक्षक और कांस्टेबल के किए बंपर तबादले। 316 को दुर्गम और 330 कर्मियों को सुगम में लेनी होगी तैनाती। बदहाली के कगार पर पाकिस्तान। आम आदमी की पहुंच से बाहर जरूरी सामान के दाम।
का पलटवार, अमेरिका के 61 नागरिकों पर लगाया प्रतिबंध। पीटीआई विधायक ने दी धमकी, कहा इमरान खान को कुछ हुआ तो मैं करूंगा आत्मघाती हमला। जेलेंस्की की काला सागर में तूफान पैदा करने की तैयारी, सहयोगी देशों से मांगे एंटी शिप वेपन। अविश्वास प्रस्ताव जीते ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, 211 सांसदों का मिला समर्थन। श्रद्धालुओं के लिए 163 पाकिस्तानी बीच 8 से 17 जून तक चलेगा वार्षिक समारोह। श्रीलंका की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, श्रीलंका अपने संकट ग्रस्त कृषि क्षेत्र के लिए चाहता है भारत का समर्थन। अटलांटा रैपर ट्रबल की गोली मारकर हत्या, अपार्टमेंट में पड़ी मिली लाश। अफगानिस्तान को WHO से मिलने वाला है मंकी पॉक्स टेस्ट किट। दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार के आरोपी गुप्ता ब्रदर्स UAE में गिरफ्तार, पूर्व राष्ट्रपति जुमा के थे करीबी। भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में उछाल। एलन मस्क की धमकी, कहा फेक अकाउंट की दे जानकारी वरना डील होगी रद्द। एप्पल ने नेक्स्ट जनरेशन का कारप्ले जारी किया, ड्राइवर को स्क्रीन पर मिलेगी अहम जानकारी। टाटा मोटर्स का धमाका, दो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के साथ साइन की सबसे बड़ी जीत। यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए एक्शन में सरकार, बनाया फ्लाइंग स्क्वाड कई गिरफ्तार। कारोबारी ने खरीदी गुरुवायूर मंदिर की महिंद्रा थार, 43 लाख की लगाई बोली। हॉर्न ब्लो करना पड़ेगा महंगा, वाहन चालक सावधान, कट सकता है 12,000 का चला। आधुनिक खेती में धोनी की नई पारी, ड्रोन स्टार्टअप्स गरुड़ एयरस्पेस को ब्रांड एम्बेसडर बने धोनी, कंपनी में निवेश भी किया। मारुति सुजुकी सिलेरियो में बिक्री में 4,000% का उछाल, देती है गजब का माइलेज। में बदलाव, आधार लिंक्ड IRCTC यूजर्स एक महीने में 24 टिकट बुक करा सकेंगे। एमएस धोनी की साउथ अफ्रीका सीरीज में हुई एंट्री, ऑलराउंडर ने कहा उनके जैसा। क्रिकेटर नमन ओझा के पिता गिरफ्तार, कोर्ट ने एक दिन के रिमांड पर भेजा।
श्रीलंका बोर्ड का बड़ा फैसला, टिकट से होने वाली आय से लोगों की होगी मदद। टीम इंडिया की प्रैक्टिस शुरू, कोच राहुल द्रविड़ ने दिए उमरान मलिक को टिप्स। विश्व विजेता श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन के छोटे भाई प्रसन्ना रट्टुगांव गाही के मामले में दोषी, श्रीलंका में 2 साल जेल की सजा। रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में मुंबई के बल्लेबाज सुवेद पारकर का धमाका, पहले जुमाया शतक और फिर पूरे के 150 रन। अफ्रीका के कप्तान ने उमरान को बताया खतरनाक, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद नहीं खेलना चाहता। एशियन चैंपियनशिप से पहले विवाद, साइक्लिस्ट के फॉरेन कोच पर लगाया बदसलूकी के आरोप। वाला पहला T20 होगा हाउसफुल, बुजुर्ग दर्शकों को मिलेगी खास सुविधा। मार्क टेलर की भविष्यवाणी, टेस्ट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जरूर। गोकुलधाम में दया बेन की एंट्री का वीडियो आया सामने, खुशी में सोसाइटी के लोगों ने किया गरबा। रवीना टंडन की बेटी रशा की हाइट और पर्सनालिटी देख चौंक गए लोग, लेटेस्ट वीडियो हुआ वायरल। व्हाइट साड़ी में छाया अक्षरा सिंह का ग्लैमरस अंदाज, अदाओं ने बनाया कायल, फैंस कर रहे अक्षरा की तारीफ। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगी टीवी एक्ट्रेस मीरा श्रीवास्तव। आखिरी गाना धूप पानी बहने दे हुआ रिलीज, पंकज त्रिपाठी के फिल्म शेर दिल के लिए गाया है गाना। एक्टर से मदद की गुहार, घरेलू हिंसा की शिकार महिला ने मांगी वरुण धवन से मदद, एक्टर बोले बेहद गंभीर मामला है। कभी ईद कभी दिवाली का टाइटल हुआ भाईजान, धमकी के बाद भी फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर निकले सलमान खान। सलमान को धमकी का मामला, बिश्नोई से पूछताछ के लिए दिल्ली रवाना हुई मुंबई पुलिस, गैंगस्टर ने धमकी वाला लेटर भेजने से किया इनकार। पृथ्वीराज फिल्म को उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस न मिलने पर सोनू सूद बोले महामारी के बाद चीजें काफी बदल गई। ब्रह्मास्त्र फिल्म पर रणबीर कपूर बोले खुद फिल्म के जरिए खुद का मार्वल बनाने की कोशिश, 9 सितंबर को सिनेमा घरों में आएगी। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।